नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बनू साद कबीला में दूध पिलाने के लिए लेकर गए। हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती और कभी रात के हिस्सों में उनके अभी भी जो करिया उनका गांव है वहां पे पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ पर दाई हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार को लेकर चांदनी रात में चली जाती। चांदनी रात में जब लेकर गोद में खिलाती, झूले में रखती, तो एक मर्तबा दाई हलीमा फरमाती है कि मैं क्या देखती हूं। चांद की तरफ नजर की, चांद चमक रहा था, लेकिन चांद कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी दाई जा रहा है, कभी बाई जा रहा है, कभी मशरिक जा रहा है, कभी मगरिब जा रहा है, कभी शुमाल जा रहा है, जुनूब जा रहा है। उस फरमाती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज चांद ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। दाई हलीमा फरमाती है, जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, आमना के चांद की तरफ देखा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में हैं और अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं,
जिस तरफ उंगली सरकार की जाती है उधर भी चांद चला जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक मशरिक के जानिब जाता है जाती है तो चांद भी मशरिक के जानिब चला जाता है। मगरिब के जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा होता है तो चांद मगरिब के जानिब चला जाता है। शुमाल के जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा होता है तो चांद शुमाल की जानिब चला जाता है। जुनूब के जानिब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा होता है तो चांद जुनूब की जानिब चला जाता है। आला हजरत फरमाते हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का चांद झुक जाता किधर उंगली उठाते मंद में चांद झुक जाता किधर उंगली उठाते मंद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही नूर का तैबा में हुई बढ़ता है बाबा नूर का लेने नूर का आया है दा